Hey student, welcome to my YouTube channel MSc Classes. So today I am going to start basic concepts of mathematics. Mathematics के कुछ basic concepts जैसे कि कुछ numbers types of number क्या होते हैं, इन नंबरों के बारे में हम बात करेंगे. इसके बाद आगे आने वाले videos में आपके syllabus के regarding videos में बना के push करूँ. ठीक है, तो first of all अभी हम लोग बात करते हैं fundamental digits क्या होती हैं. तो फंडामेंटल डिजिट में बहुत सारे डिजिट्स होते हैं जिनकी मदद से ही हम किसी नंबर को बना सकते हैं. जितने भी नंबर हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारे नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर केवल इन्हीं नंबरों से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, तो इन्हें मूलभूत संख्याएं या फंडामेंटल डिजिट बोला जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल में कोई भी नंबर जैसे हमको निकला 947, तो यहाँ पे ये तीनों नंबर क्या है, इनमें से ही मिले हुए, क्योंकि बिना इनके नंबर किसी नंबर को भी लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हम इंटीजर्स. ठीक है, व्हाट इज इंटीजर्स. तो इंटीजर एंड इंटीजर इज अ नंबर, इज अ नंबर विच कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट. अब इसको बात हम समझेंगे कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं पास्ट में चाहने के लिए इंक्लूडिंग जीरो, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, तो यहां एग्जांपल हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जो 0 -1 -2 -3 -4. ठीक, ठीक है, तो इंटीजर में क्या हुआ कि इंटीजर इज एन नंबर, इंटीजर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट. जो बिना फ्रैक्शनल कंपोनेंट में लिखा जाए वो इंटीजर्स होता है. ठीक है, अगर हम दो टाइप के इंटीजर बात करेंगे, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जैसे 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और नेगेटिव मींस -1 -2 -3 -4. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि जीरो जो है वो ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ जीरो क्या है, जीरो ना ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर है. सो नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से. यहां क्या बात की हम, 1 2 3 4 और ये हमारा इन्फिनिटी. ठीक है, तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होंगे, ऐसे सारे काउंटिंग नंबर जो हम नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती के नंबर जहां से गिनती स्टार्ट होती है. अब जैसे किसी चीज को हमें गिनना है तो हम ये नहीं गिनेंगे 0 1 2 3 4 5, वो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5. सो नेचुरल नंबर आर ऑल काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, ठीक है, होल नंबर की बात करेंगे तो इन्हें भी हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो. अब यहां बात को समझते हैं कि होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही होता है, बट ये स्टार्ट कहां से होते हैं, जीरो से. क्या लिखेंगे, W = 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी. ठीक है, अब यहाँ बेसिक टर्म्स आज बीच में, बेसिक टर्म को यहाँ पे यूज करेंगे हम कि जितने भी नेचुरल नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ये इनफिनिट है. ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. बेसिक डिफरेंस में यही है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर. सो ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 से इनफिनिट तक, एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से. स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. सो नेक्स्ट इवन नंबर, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें आप इवन नंबर कहते हैं. तो यहां जैसे एग्जांपल में क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 40 होगा, 90 होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, और इवन नंबर के बेसिक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो नंबर उनके लास्ट में 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं. ठीक है, नाउ ऑड नंबर.
What is odd number? The number which cannot be divisible by 2 is called odd number. ऐसे number जो 2 से divisible नहीं होते, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 and so on. ठीक है, तो अभी odd number में क्या होंगे? Odd number में वो सारे numbers होंगे जो 2 से divisible नहीं होंगे. Next हम आगे देखेंगे prime number and others. So prime number की बात करेंगे. प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? अ नंबर, बहुत ध्यान से समझिए इसको, अ नंबर विच है ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स. अब ये टू फैक्टर्स क्या होंगे? तो फर्स्ट फैक्टर इज, फर्स्ट इज वन एंड सेकेंड इज नंबर इटसेल्फ. बहुत आसान से इसको समझते हैं हम लोग कि प्राइम नंबर में क्या होंगे. प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे, एक तो वन होगा और दूसरा नंबर एक से आगे. जैसे ले लेते हैं टू, टू क्या है, टू में देखिए टू के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वन होगा और टू होगा. थ्री ले लेते हैं, थ्री का फैक्टर क्या होंगे, वन होगा थ्री होगा. फाइव को ले लेंगे, वन होगा एंड फाइव होगा. सेवन को ले लेंगे, वन होगा एंड सेवन होगा. तो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर हो, एक पहला फैक्टर वन हो और दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ हो, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं को प्राइम नंबर. तो सो व्हाट इज को प्राइम नंबर? तो द पेयर ऑफ टू नंबर्स. अब यहां बात करेंगे को प्राइम नंबर की. अ पेयर ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स which have only one common factor, only one common factor, that is one. ठीक है, ऐसे नंबर जिनके केवल मात्र एक ही कॉमन फैक्टर हो वन, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर. जैसे एग्जाम्पल में टू एंड सेवन. अब यहां टू एंड सेवन की बात करेंगे तो टू और सेवन कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिससे टू और सेवन कट जाए, केवल वन ही ऐसा है. टू वन से भी कटेगा, सेवन से भी वन से कटेगा, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, वन है. फोर एंड एट, सॉरी फोर एंड सेवन को ले लीजिए, फोर एंड सेवन को ले लेंगे आप, इनका भी क्या होगा, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन ही होगा. और नंबर जैसे थ्री और एट को ले लेते हैं, इनका भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा. ठीक है, समझने की जरूरत क्या है, को प्राइम नंबर में ए पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे पेयर नंबर के जिनमें उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, ओनली वन होगा, इसके अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? अ नंबर, ध्यान से समझिए उसको, अ नंबर विच है मोर देन टू फैक्टर. ऐसे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से देखते हैं, जैसे फोर, फोर का एक फैक्टर वन, दूसरा टू और तीसरा फोर, मोर देन वन फैक्टर. ऐसे नंबर तो कंपोजिट नंबर में ऐसे नंबर से आते हैं जिनके एक से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे एट टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, सॉरी टू फोर एंड एट. ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कैसे करेंगे, डिफिनीशन इसकी अगर बात करेंगे, सो मैथ में मैं आपको बात बता दू.